मेरा नाम है जोसेफ वर्गीस, मैं ऑक्सफिलियम मानस फाउंडेशन करके एनजीओ है उसका चेयरमैन है। उसके साथ साथ हम लोग NH48 एक्शन काउंसिल करके एक हाईवे का मुद्दे के लिए एक ग्रुप बनाया है, उसका भी फाउंडर है। कि जनरल पब्लिक आम आदमी सभी को पता है किसी के लोगों का जान जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहा है, जो ट्रैफिक में इतना लोग परेशान हो जाता है, समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा रहे, ऑफिस नहीं पहुंचा रहे, अपना फैक्ट्रीज नहीं पहुंच पा रहे। इसी सब ये सारे कारण ये रोड का वजह से है। हम चाहते हैं कि रोड में दुरुस्ती हो जावे। हमारा जो टैक्स है, हम जो पैसा देता है, और हमारा सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ का गवर्नमेंट की है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो। हम लोग अभी लोकल बॉडीज का बात नहीं कर रहा, बिकॉज अभी हाईवे के ही बात करें, हाईवे का बात रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। ये जो चीज़ है, हम लोग ने करस्पॉन्ड अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर भेजा हुआ है, चेयरमैन को और नितिन गडकरी साहब का डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है, ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज को ईमेल किया हुआ है, नोट लेटर ने ईमेल कर दिया हुआ है इस मसले के बारे में, और 11 तारीख का हमारा साइलेंट मार्च के बारे में किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक है। हम लोग पीस लविंग पीपल है, हम लोग शांति के तरीके से हमारा साइलेंट आवाज लोगों का अधिकारियों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। कोई किसी को वायलेंट मोड में कोई सोई इच्छा से आता नहीं है, एक उसको बना देता है। हम आज साइलेंट मार्च के लिए, पीसफुल रैली के लिए हम तैयार हैं, आगे की जो है पब्लिक और अपना जो गुस्सा निकल जाएगा बाहर क्या कर सकते हैं, मैं आज कमेंट नहीं कर सकते उसके बारे में। 10-15 NGO सब मिला के 15 एसोसिएशन है NGO पकड़ के, क्योंकि मेरा अंदाज है 1000+ लोगों हाईवे में ह्यूमन चेन प्लैक कार्ड्स पकड़ के हाईवे के साइड में खड़ा रहे, इनका वजह से 1 बजे तक का शेड्यूल किया हुआ है। अरे में देखो, हमारा हमारा पूरा उम्मीद है हमारा साइलेंट आवाज वहां तक पहुंचेगा और इसमें काम होगा। अगर काम नहीं होगा, फर्दर स्टेप विल डिसाइड उस टाइम क्या करना है। अन्नपुरा है एंड मैं NH48 एक्शन काउंसिल की तरफ से बात करना चाहता हूँ। ये NH48 एक्शन काउंसिल जो है, एक जितने भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं और NGOs हैं बसाई विरा रीजन का, वो एक गठबंधन है और उनके तरफ से NH48 एक्शन काउंसिल ने ये मुद्दा उठाया है कि अपना जो रोड जो है हाईवे NH48 जो अहमदाबाद की तरफ और मुंबई की तरफ जाता है हाईवे, उसका जो कंडीशन जो है एकदम संगीन है। तब आप देखोगे कि रास्ता है ही नहीं, जो कॉन्क्रीटाइजेशन का काम लिया हुआ है आधा अधूरा करके रखा हुआ है, कहीं कहीं पे रास्ता तो है ही नहीं, तो लोगों का जान जाता है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, लोगों का टाइम और पैसा बर्बाद होता है। तो ये सब मुद्दा की लेकर हम लोग ने सोचा कि एक साइलेंट ह्यूमन चेन रैली ऑर्गेनाइज किया जाए 11 तारीख को हाईवे के ऊपर। तो हम लोग कुछ स्लोगनेरिंग और कोई आवाज वगैरह नहीं करने वाले हैं, हम लोग चुपचाप एक साइड में हाईवे के साइड में ऐसा प्ले कार्ड पकड़ के खड़े रहने वाले हैं कि जागरूक हो जाओ गवर्नमेंट, हम लोग जो तकलीफ होता है आप समझने की कोशिश करो और जितने जल्दी हो सकता है ये रोड का मुद्दा जरा, मतलब जो रोड है जो खराब रोड है उसको जितना जल्दी हो सकता है आप बना के दो हमको, जो हमको वसाई विरार वालों को जो मुंबई तक पहुंचाता है या तो फिर अहमदाबाद की तरफ लेके जाते हैं। तो लोग जो यात्रा करते हैं वो बहुत अलग अलग कारणों के कारण यात्रा करते हैं, कोई काम के जाने के लिए, कोई एयरपोर्ट जाने के लिए, कोई अस्पताल के लिए, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज होता है। अभी रोड खराब है तो जहाँ पे पहुंचना चाहिए 10 बजे को, मॉर्निंग में 10 बजे पहुंचना है तो हमको शायद कल निकलना चाहिए घर से, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पहुंचना है अगर समझे 11 बजे का फ्लाइट है तो हमको 2 इंटरनेशनल फ्लाइट होगा 2-3 घंटा तक पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, उसके लिए हमको 1 दिन पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि हम लोग एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं। तो ऐसा सब प्रॉब्लम है। अगर जो एम्बुलेंस जाता है, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, बॉटल नेक हो जाता है पूरा रास्ता के ऊपर और रॉन्ग साइड से गाड़ी आ जाती है, ब्लॉक हो जाता है ना इधर ना उधर, ऐसा वाला एक सिचुएशन में एम्बुलेंस वालों को भी गाड़ी निकालने के लिए तकलीफ हो जाता है, तो पेशेंट लोग का प्रॉब्लम होता है। ऐसा हर एक मुद्दा में जो भी लोग जो रोड यूज करता है कोई ना कोई कारण के लिए यूज करता होगा ना, कोई घूमने फिरने के लिए तो नहीं यूज करता, तो जो कारण से जाना चाहते हैं, एक आदमी एक जगह पहुंचना चाहता है वो नहीं पहुंच पाता रास्ते टाइम,
अक्सर जब भी हम उनको चुनते हैं तो यही होता है कि उन लोग हमारा जो विकास का ही काम करेगा, लेकिन विकास का काम वो विकास के नाम पे उन लोग जो कुछ पैसा लगाते हैं अभी रास्ता बनाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो लगने वाले जगह पे नहीं लगता, वो और किसी के किसे में और किसी के घर पे पहुंचता है वो पैसा, तो वही सब होता है। तो अभी उसी के लिए हमने सोचा कि सब लोग मिलकर, सब लोग इकट्ठा होकर ये बताएं गवर्नमेंट को कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और वही करप्शन की वजह से ये रोड का भी काम खराब हुआ है। गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए, पूरा डेटा उनके पास जाता है, कितना एक्सीडेंट होता है, कितना मौत होता है, क्या कितना ट्रैफिक जाम होता है, सब इनके पास डेटा है, लोग क्यों नहीं करते हैं सब। गडकरी के पास कितना PLI गया होगा, कितना लेटर गया होगा, कितना कंप्लेंट गया होगा, ग्रीवेंसेस के ऊपर कितने लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे भेजा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता काम। ये तो अभी हमने शांति पूर्वक करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर देखते हैं हम लोग इसका एक जो हम तो रिजल्ट जो है साइलेंट रैली का, ये तो चले जाएगा वहां पे, गवर्नमेंट तक पहुंचेगा हमारा उम्मीद है ये। और अगर नहीं हुआ अगर एक्शन, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे ये एक्शन काउंसिल क्या करना चाहिए इस एक्शन, ये रैली में हमारे साथ में आए भारी संख्या में, और सब लोग का जिम्मेदारी है, सभी का पैसा लगा हुआ है इसमें, सभी का अपना अपना टैक्स का पैसा से ये रोड बनता है, अगर उनको थोड़ा भी जिम्मेदारी लगे तो उन लोग अपना टाइम निकाल कर 2 घंटे के लिए संडे हमारे साथ में आके जुड़ना चाहिए।